और अब हम पढ़ने वाले हैं वेरिएशन ऑफ मोबिलिटी विथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, आइए देखते हैं। पहला पॉइंट हमने लिया है क्या, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड 0 to 10³ के वोल्ट पर सेंटीमीटर में लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज, तो मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का इंडिपेंडेंट होगी। इसका मतलब मोबिलिटी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी बदलाव करें, ठीक है, बट मोबिलिटी में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। मोबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मोबिलिटी इज कॉन्स्टेंट। ओके, तो इसका ग्राफ क्या होगा, तो आप देख सकते हैं हमने वाई एक्सिस पे मोबिलिटी को लिया है और एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो पहला पॉइंट था 0 से, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हुआ, ठीक है, 0 to 10³ तक अगर हम कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करते हैं तो मोबिलिटी हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये मोबिलिटी हमारा कॉन्स्टेंट है। ओके, और अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 10³ to 10⁴ के रेंज में है तो मोबिलिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ इलेक्ट्रिक फील्ड की है, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे तो नीचे बड़ी वैल्यू आएगी तो मोबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो वही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, मोबिलिटी इज डिक्रीज विथ इंक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नॉन लीनियरली और लीनियरली का मतलब आई आल्सो एक्सप्लेन इन लेक्चर 1, आई थिंक, यस, सिंपल भाषा में लीनियर ग्राफ वो होता है जिसका स्लोप कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, और वो ओरिजिन से पास करता है, और नॉन लीनियर ग्राफ वो होता है जिसका स्लोप चेंज होते रहता है, ठीक है। ओके, तो अब हमने दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अंडर रूट ऑफ -½ है, ठीक है, तो इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा रहे हैं तो मोबिलिटी डिक्रीज करें, तो ये देखिए यहाँ पहले मोबिलिटी यहाँ थी, अब मोबिलिटी डिक्रीज कर गई, ठीक है, यहाँ आ गई। अब नेक्स्ट पॉइंट ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन 10⁴ है, ठीक है, तो मोबिलिटी क्या होगी, मोबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो मोबिलिटी डिक्रीज करेगी, एट द हाई इलेक्ट्रिक फील्ड रेंज मोबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देख सकते हैं अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएंगे तो मोबिलिटी हमारा डिक्रीज करेगा, और एक समय पे हम इन्फिनाइट कर देंगे तो ज़ीरो हो जाएगी मोबिलिटी, बस सिंपली। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके,